मिनट ये भी पानी छोड़ते हैं थोड़ा, तुरई थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। देखो इतने सारे मैं ड्रेस ली, 1 2 3 4 5 6 पलट लेंगे तो पकड़ लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इफालो शबाने के ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं, जो सोच रहे क्या चालू कर रहे हैं, रोज ऐसे ही बोलते हो। आज मैं बना रही हूँ वेज बना, पूछो क्या? तुरई और खिचड़ी का सालन बनाऊंगा, खिचड़ी दलिया बना कल खाया तो मेरा जाम हो गया पूरा, तबियत खराब हो जाती है समझी ना, मेरा अपना दलिया बना ले मैं वही खा लूंगा भाई, कम खाऊंगा अच्छा खाऊंगा समझी, समझती नहीं तो कोई बात यार। और बेचारे परेशान है अपने घर में, ये हो या अल्लाह, हमारे घर में नहीं, हमारे नीचे का बाजू के रूम में जो काम चालू है ना, उसके कोई पार्ट टूटा तो उसका पानी रूम में आ रहा था, उसकी सुबह से भागम धोनी था, प्लम्बर को ही बुलाया जो पाइप निकाल के लेके गया बनाएगा, देखते क्या क्या होता है, जैसा ऐसा होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। गर्म चालू है, बरसात गिरती है, अच्छा थोड़ा गिरती रुकती है, ये तो कचरे भी कितने देखती नहीं, सब गटर भरे हुए हैं, पानी भर गया तो मुसीबत फिर से। चलो फिर क्या क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ और इसका पकाना भी दिखाता हूँ। अरे वाह डरे भैया, ठीक है। तो शब ने तैयारी कर चुकी है, तुरई और खिचड़ी की तैयारी कर चुकी है, उसमें क्या क्या डालना है वो सब आप लोग को बताएगी और तुम लोग को तो खिलाएगी तुम, और साथ में मेरे को भी खिलाएगी। वेज ही खाने का तो तुमको ना नॉन वेज बहुत पसंद है, बच्चे लोग कितना बोलते हैं आंटी वेज बनाओ, वेज खाने वाले हैं, मेरी बेटी बनाऊंगी, बनाएगी बनाई तो तुरई की मैंने खिचड़ी चढ़ा दी हूँ, मसूर की दाल और चावल लेके नॉर्मल बनती है, और दलिया बच्चे लोग इतना पूछते हैं, दलिया तो ऐसा ही दलिया आता है बारीक, इसको क्या बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, लापचा लापसी, लापसी इसको कुछ नहीं, जैसा अपन चावल बनाते हैं वैसे ही बना देगा, चले मैं रखती हूँ बाद में तुमको बताती हूँ मैं। अभी फिलहाल तुरई के लिए अपने को यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो ये तुरई है जो तुरई मिलती है बाजार में, देखना तरकारी वाले क्या, उसके अंदर आलू ऐसा कटिंग करके रख ली हूँ, ये 3 करी प्याज चॉप करके रखी हूँ, ये 2 टमाटर इसको भी चॉप कर ली हूँ, और इसमें 1.5 चम्मच जाएगा चने का आटा, थोड़ा सा ग्रेवी बन अच्छी बनेगी, उसमें 1/2 चम्मच है ना गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच है ना लाल मिर्ची, 1 और ये 2 चम्मच धनिया जीरा, और ये हरी मिर्ची अदरक लहसुन थोड़ा सा पिसा हुआ मेरे पास था तो उसका मैंने 1 चम्मच ले ली, और नमक अपने हिसाब से। अभी तेल गरम कर रही हूँ, तेल के अंदर अपन डालेंगे प्याज, ये खिचड़ी बोली ना मन चला दी मैंने, अभी तेल गरम हो गया इसमें अपन डालेंगे प्याज, और बहुत तेल गरम हो गया था इसे पट पट फुटा था ना, खुशी के मारे थोड़ा सा लाल करेंगे, तब तक मैं ये चढ़ा लूं दलिया, धोने जा रही है, धो के चढ़ाएगी भी आप लोगों को, धो के तैयार कर चुकी है, अभी अब बता रही है आपके क्या क्या करना है, इसका काम ही यही है और मेरा काम है सिर्फ दिखाना। तो धो के मैं ले रही हूँ, जितना चावल में कुल पानी तो उतना लेने का, और अपने को नमक डालने का, और थोड़ा देसी घी, देसी घी थोड़ा सा डाल दो उसके अंदर, और थोड़ा सा जीरा डाल दो, चावल बनते हैं नॉर्मल वैसे ही अपने को बना लेगा, देखो तो देसी घी खत्म हो चुका, थोड़ा सा बचा है वो भी ले लूंगा, यस ये डल जाएगा अपना जीरा, इसमें भी जीरा डालने का तो सॉरी मैं भूल गई, ये अंदर थोड़ा जाएगा जीरा, और इसमें भी थोड़ा जीरा डाल देंगे, और इसमें अंदर जाएगा थोड़ा सा देसी घी, ना क्या सुन सुन करे देखता घी की असली खुशबू है कि नहीं, इसको मिला दिया चढ़ा दिया, दो सीटी के अंदर माशाल्लाह, यानी 2 बार छेड़ेगा तुमको समझ जाना कि पक गया है ना, और तीसरी में गुस्सा हो जाएगा तो जल जाएगा, चलो ठीक, अभी क्या डाल रही है बता, चल फटाफट अभी इसके अंदर डालेंगे मसाले, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ना हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, नहीं कलर चेंज नहीं होगा, खुशबू आएगी सौंधी 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 खुशबू आएगी, फिर इसके अंदर जाएगा ये चने का आटा, इसको भी थोड़ा भूनेंगे, ऐसा थोड़ा भून लेगा, दो गट्ठी भी होना चाहिए इसके अंदर, दो गाढ़ा हुआ ना तो थोड़ा इसको थोड़ा भून लेगा, इससे अपनी ग्रेवी ना थोड़ी ठीक होगी, उससे अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर,
ये मेन होता है। टमाटर को एकदम बारीक बारीक है ना, चॉपर आता है ना, चॉपर में कटिंग कर लेना। अंदर पिघल जाइए ना, अंदर अच्छे जल्दी जल्दी गल जाते हैं मतलब। अभी चलो इसमें सब जाएंगे अपने मसाले, धनिया जीरा गया, नमक, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची कम डालना क्योंकि थोड़ी हरी मिर्ची पीस के डाले तीखा नहीं हो जाए, और ये हल्दी जिसको जल्दी और ये थोड़ा सा गरम मसाला, तेरी आंखें गरम मसाला सबको मिला देना, हाँ, सबको घोल के पूरे गांव एक पूरा गांव एक कर देना। मसाला देखो मसाला कितना बढ़िया, ये सूखा बनेगा, हाँ थोड़ा गीला गीला होएगा, ज्यादा पतला पानी जितना आप लोग पतला पानी तो करो नहीं तो मेरे ससुर बहुत खाते थे याद है, अब बना देते तुरई का सालन और मच्छी फ्राई करके हम लोग खाते थे, मजा आती थी ना। अभी गोश्त फ्राई करके खाएंगे, कुछ नहीं है गोश्त समझे ना, अभी वेज दाल मच्छी खाओगे तुम। दरवाजे को आया देखता कौन आता है, फिर तो दरवाजे पे कोई आया था उससे मिल लिया, तो प्लम्बर था जो बाजू काम कर रहा था, तो उसको दरवाज़ा नहीं मिल रहा था तो अपनी घंटी बजा रहा था, तो मैं बताया वो सामने, तो सामने चला गया। फिर मैं फ्री हो गया तो ऋषभ ने मुझे बुला ली कि बोला आ जाओ तो वही डाल देती अंदर, तो मैं चल दिखा दे कहाँ है। देखो ये मसाला थोड़ा अपना भुना गया थोड़ा, अभी तुरई गलेगी ना तब ये मसाला भी थोड़ा भुना जाएगा। ये भी पानी छोड़ता है थोड़ा, तुरई थोड़ा पानी डालना पड़ेगा तुरई के लिए, थोड़ी कड़ा लगती नरम है लेकिन थोड़ी कड़क थी मेरी तरह, ऊपर से मैं नाम नहीं जब मैं मारता तो कड़क मारता। ये हमारा तुरई का सब्जी रेडी है, ऐसा लगता है कि पनीर के टुकड़े हैं अंदर। इसमें थोड़ा सा पानी डालने का, जरा सा ज्यादा पानी नहीं डालने, गलने तक अपना मसाला भी भून जाएगा और आलू और तुरई भी गल जाएगी, और फिर खिचड़ी के साथ गरम गरम पापड़ के साथ में खाएंगे। पानी आया रे बस, तो चलो अभी पकता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, खाते हुए नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा मेरे ऊपर नहीं है वो शब के ऊपर बोलेंगे तो दिखाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने कहा था कि बाल कटाने वाला आ गया, तो मूसा एक नाम है जो मेरे दामाद का दोस्त है, उसने बाल काटने वाले को ले किया। क्या नाम तुम्हारा भाई? शमशाद भाई है, जो अभी उसके बाल काटेंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? उमरा मेरे हुआ, और ये मूसा है जो उसने ले के आया, तो चलो बाल कटाता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। बोला गद्दा बना के मैं रहूंगा, मेरा लड़का रहा है कुछ लेके आया, मैं वो लगाना इस्तेमाल कर रहे हो, आराम मिलेगा बापरे कितने बाल जो है कितने क्या बोलते हैं, पैसा दो फिर बाल काटूंगा, बोला देता हूँ भाई आपको टेंशन नहीं, जान दो भाई हम लोग नहीं देते, आधा काट दो छोड़ो रहने दो हमारा आधा मगर। अच्छा ये आधा कितना लगेगा मूसा? मूसा जैसे दिखेगा बाल बाल सब कटा दिया, फिर हो चुका हूँ, पत्ते लेके आया, पत्ते बांधूंगा अभी, तो आप लोगों को मैं जानवर दिखाता हूँ। उससे पहले मैं नहीं बोला था कि पाइप का लाइन ऊपर से फूट गई तो पूरा पानी गोदाम में आया था, तो बेचारा आया साफ करने पूरा गोदाम, गोदाम में साफ करके दिखाता हूँ, बकरा कैसा वो भी दिखाता हूँ। तो ये सब पानी आ गया, तो भरा बेचारा कल, और ये रिया जिसके बाल कटा चुका हूँ। अभी आप लोग देख लो कैसा, अब इसके बाद कैसा होगा, आप फ़र्क होगा तो बताना है ना, कि फ़र्क आता है कि नहीं आता फिर मेरे को बताना आप लोग। तो चलो अभी दूसरा कुछ होगा तो मैं आप चालू रे बाबा। तो खरीदी करके शब घर पे आ चुकी है, जितने में सुफियान और नीदा और जवान भी आए थे, लेकिन वो चले गए, नीदा अपनी माँ के दर गई मिलने,
तो शायद अपने कपड़े दिखा रही, तो मैं आप लोग को दिखा था कि इसने मेरे को पूरी तरह से लूट चुकी है ना। ऐसा लगा ले सेल लग। क्या लाई साहब तूने? लाटे 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 लाटे। तुमने बोले ना घर में मैंने के कपड़े नहीं। हाँ देख ना, 600 वाला 200 में, 600 वाले माल ली भाई, सब 2000 रुपए के माल आते वाले। देखो इतने सारे मैं ड्रेस ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे पंद्रह नौशीन पूरे पंद्रह कर देती तो। हाँ, और लेना जाने 11 बहुत हो गए। अब इसकी सिलाई बाकी है फू। माँ तो बता क्या ली है? सिलाई कर रही है, सब कॉटन के ड्रेस ली हूँ मैंने। कोई ना इसमें शिफॉन दुपट्टे वाले भी है ना, शिफॉन दुपट्टे वाले भी है ना, कॉटन के है, पैंट भी है, ये सब देखो माशाल्लाह। शिफॉन दुपट्टा है, अच्छा अच्छा दुपट्टा है, शिफॉन ना मस्त है ना, ड्रेस प्राइस है इसके अंदर तो। तू लेगी तो अच्छा ही लेगी ना भाई। मम्मी तुम मेरे को बोले तू ले ले, मैं ली नहीं। लाफा खाएगी, मैं बोली ले ले तो मेरे को देखती, मेरे को देखती है तो तेरे को किसको देखेगी? किसकी? मम्मी की ना। मैं हमेशा बोला जिसको जहाँ जाना होता है तो वो शब को याद करता है, और ये शब ही ऐसी है जो बिंदास जाती है। देखा देखा मैं देखा, समझी ना। मैं बोलता था हमेशा कि शब एक नंबर है, एक नंबर नहीं है, एक एक और नंबर है। 100% मेरी चॉइस अच्छी, बच्चे लोग भी समझ गए कि आंटी का मतलब घर में जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, पूरी आंटी की चॉइस अच्छी है, चॉइस अच्छी है। थैंक यू। चलो बस हो गया। हाँ तो चलो गाइस, मेरे को तो इसने काट चुकी है, तो मैं इसे ही वीडियो एंड करता। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ। नहीं दबे फिर भी दबाओ।